उसके बाद एक काम हो गया, फिर दूसरा लोग बोल रहा है कि तुम देखते रहना कि कोई आने ना पाए, मोटरसाइकिल था। काम माने क्या क्या था? कितने लोग थे? दो लोग। क्या क्या मारा पीटा? कहाँ ले गए? सब किया। हमें ना तो जान चाहिए, ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए। हम हैं सरकारी लुटेरे, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए। किसी शायर के इस शेर को साकार करके दिखा दिया गोरखपुर में योगी पुलिस के दो सिपाहियों ने। योगी के वर्दी वालों ने किया सरकार की उपलब्धियों में इजाफा। दो सिपाहियों ने युवती को अगवा कर किया गैंगरेप। मामला योगी के गढ़ गोरखपुर का है, जहां योगी पुलिस के दो सिपाहियों ने एक युवती को किडनैप करके किया गैंगरेप। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की ढपली पीटने वाले मुख्यमंत्री योगी के राज में अपराध सिर चढ़कर बोलने लगा है। हद तो तब हो गई जब खुद योगी पुलिस के सिपाही युवतियों को किडनैप करके बलात्कार करने लगे। मामला वर्दी वालों का है तो कानून कार्यवाही के नाम पर बगले झांकता नजर आ रहा है। योगी के गढ़ यानी गोरखपुर के शाहपुर इलाके में दो सिपाहियों ने वर्दी की ताकत दिखाकर पहले तो युवती को अगवा करके अपने कमरे पर ले गए और वहां गैंगरेप किया। मामला मीडिया में आने पर पुलिस में खलबली मच गई। अफसरान कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। सुनिए पीड़िता की कहानी, पीड़िता की जुबानी। अपने रूम पे ले गए थे सब। आप कैसे ले गए थे, किससे ले गए थे? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी थी? फोर व्हीलर थी कि टू व्हीलर? मोटरसाइकिल थी कि कार? मोटरसाइकिल था। और कितने लोग थे? बोलो। दो लोग थे। और कहाँ ले गए थे? रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास ले गए थे? हाँ, जो उन लोग का रूम है उसी रूम पे लेके गए थे हमको। जिस कमरे में ले गए थे पहचान जाओगे उस कमरे को देख के? हाँ, पहचान जाएंगे, उन लोग को भी पहचान जाएंगे। अच्छा, कैसे दिखते हैं वो लोग? एक सांवला सा है और एक गोरा सा है, लंबा चौड़े सब है, मोटे से। कमरे में ले जाके क्या किया हमारे साथ? पहले एक आया, फिर उसके बाद एक काम हो गया, फिर दूसरा लोग आया, बोल रहा है कि तुम देखते रहना कि कोई आने ना पाए। काम माने क्या क्या? तुम्हारे साथ खिलौनी हरकत की? मतलब क्या किया? मारा पीटा? सब किया जो करना नहीं चाहिए, सब किया वो। अच्छा, मतलब गलत काम किया? सब किया। मारे भी थे आपको? बहुत मारे थे। शारीरिक संबंध मतलब बनाया तुम्हारे? हाँ, दोनों लोग बनाए। दो ही लोग थे जो? हाँ। जो दो लोग ले गए थे वही लोग थे कि अदर दो लोग थे? यही दोनों लोग थे। अच्छा। लेकिन तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर अगर हमारी बात नहीं मानी तो चार लोग को और बुलाएंगे यहीं पे। और वहाँ से कैसे निकली तब कमरे से? वहाँ पे एक लोग चले गए, फिर दूसरा लोग बोल रहा है कि अभी हम तुमको 12 बजे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि तुम कितने बजे जाओगे? हम कहे सर हमको छोड़ दीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं 6 बजे छोड़ेंगे। कितने बजे जाओगी तुम? कहे 12 बजे। फिर हमको मारा, जितनी बार बोली कि हमको 12 बजे जाना है, छोड़ दीजिए, उतना ही हमको मारा। जब 6 बजे बोले तो हमको नहीं मारा। फिर उसका काम गलत कर लिया, फिर उसके बाद हमको छोड़ दिया, पैसा दे दिया हमको। हम पैसा नहीं ले रहे थे, हम कहे हम ऐसा काम नहीं करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कितना? हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या घंटा तुमको उसमें रूम में रखा? कब छोड़ा उसने हमको? 1 बजे सब छोड़े थे। 1 बजे छोड़े थे? कहाँ छोड़े थे? यही रेलवे स्टेशन के पास है, बाहर ही छोड़ दिए थे सब हमको। बोल रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ ऑटो करके। तो कैसे आई तुम ऑटो करके? हाँ, ऑटो से आए थे हम अकेले 1 बजे रात को। मामला किसी भी तरह से चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जहां सरकार खुद बलात्कारियों का बचाव करती है, केस वापस लेती है, तो वहां ये मामला मायने नहीं रखता।